डायरेक्ट एक्चुअली पर लगाते हैं तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये जो पेज है अपना सपोर्टर है, ये जो सपोर्ट का पेज होता है ये लगा के हमने देख लिया है। अब देख सकते हैं सामने होल है, दो इनमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर के लिए है, तो ये अपना फिक्स हो चुका है। अब एक बार हम ये निकाल कर ये जो जो पाइप है हॉट वाटर कोल्ड वाटर की, वो पाइप लगाएंगे, तो इस तरह से हम लगाएंगे इसको। अब इससे पहले एक बार खोल लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये कनेक्शन पाइप वाले वाले इसका पहले ये लगेगा, उसके बाद हम सोलर लगाने वाले हैं ताकि चूड़ी के अंदर तक वो सोलर चला जाए, लीकेज का वो डर ना हो। देखिए दोस्तों, इसे हम टाइट करते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये दोनों पास में नहीं होने चाहिए दोस्तों, अगर पास में होंगे तो आपका जो कनेक्शन पाइप होगा वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ये साइड में होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो बहुत अच्छा हो गया है, इस तरह से इसमें कनेक्शन आसानी से हो जाएगा, दोनों पाइप अलग होंगी। पहले ये नीचे लगाएंगे, ये तो सीपी कटोरी लगता नहीं, अगर आप चाहें तो सीपी कटोरी भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसे आप लगा सकते हैं। और दोस्तों एक ये जो अपना पाइप है, हम ये नीचे साइड लगाएंगे, ये भी हम दोस्तों नीचे से लगाएंगे। नीचे से एक पाइप आएगा, ये देखो दोस्तों ये आ चुका है, और ये चूड़ियों पे लगेगा। ये देखो दोस्तों ये आ चुका है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों पाइप लगा दिए हैं यहाँ पे, इस तरह से लग जाएगा, और नीचे से हम वो टाइट कर देंगे, और फिर ये सेंटर वाला पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पाइप लग चुके हैं, इसे हम वो टाइट कर देंगे अच्छे से ताकि लीकेज ना हो। ये अच्छे से टाइट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम ये लगा देंगे, यहाँ पे इसे हम लगाने वाले हैं। अब इस दोस्तों हम पलायर की सहायता से टाइट कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों अपना किचन का सेंटर हॉल मिक्सर लग चुका है, और अब इसका कनेक्शन करने वाले हैं। ये नीचे हमारे दो पॉइंट हैं, एक हॉट वाटर के लिए एक कोल्ड वाटर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका कनेक्शन हम इन पाइप में करने वाले हैं, सेंटर हॉल वाले पाइप में। तो किस तरह से इसका कनेक्शन होगा, यहाँ पे हम एक्स पिन पर लगाएंगे। दोस्तों क्यों लगाऊंगा इसका पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, अब वीडियो के अंदर बने रहें। दोस्तों हमने यहाँ पे किचन में सेंटर हॉल मिक्सर है वो फिटिंग कर दिया है, और नीचे का मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताता हूँ पूरा डिटेल से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर के लिए दो कनेक्शन पाइप है, ये हमने यहाँ पे एक्सन पिल में लगा दिया है। यहाँ पे हमने एक्सन पिल इसलिए लगाया है क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो अच्छा बना रहे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सन पिल लगा दिया है, और उससे डायरेक्ट प्रेशर अच्छा अपने सेंटर हॉल में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, और यहाँ की जो हमने सी पी यू सी फिटिंग किया है उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वीडियो जाके देख सकते हैं।
दोस्तों अपने जो सेंटर होल मिक्सर लगाया है उसका कितना अच्छा प्रेशर है उसके बारे में आपको बताऊँगा। अगर हम एंगल वो लगाते हैं तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट एक्सली पर लगाते हैं तो उसमें अच्छा प्रेशर बनता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।